बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। किसी भी व्यक्ति का मान सम्मान कितना होगा, नाम और यश कितना होगा, इसमें सूर्य की भूमिका काफी ज्यादा होती है। और अगर सूर्य अच्छा होता है तो जीवन में मान सम्मान, नाम और यश जल्दी मिलता है। क्या करें इसके लिए? प्रातः काल एक लोटे में जल ले लें, उसमें रोली, लाल चंदन और लाल फूल डाल करके ये जल सूर्य भगवान को चढ़ाएं। तांबे का एक चौकोर टुकड़ा भी भगवान सूर्य को चढ़ाइए रविवार के दिन। और एक मंत्र है, ओम भास्कराय नमः, ओम भास्कराय नमः, इस मंत्र का जप करें और तांबे का चौकोर टुकड़ा अपने पास रख लें। ये प्रयोग आप रविवार के रविवार कर सकते हैं, तांबे का चौकोर टुकड़ा एक ही बार आपको रखना है, लेकिन ये निश्चित है कि आपको ओम भास्कराय नमः का मंत्र जप करके प्रार्थना करनी है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको नाम और यश की, मान और सम्मान की प्राप्ति होगी। रोज चाहें रोज भी कर सकते हैं ये उपाय, और अगर रोज नहीं कर पाते तो केवल रविवार को करने से भी आपको लाभ होगा। देखिए, अगर संभव हो तो रविवार के दिन भगवान सूर्य को जवा पुष्प यानी गुड़हल का फूल या आक आक का फूल अर्पित करके प्रार्थना करिए, आपको बहुत लाभ होगा। रोज कर सके तो बहुत अच्छा, नहीं तो रविवार को सुबह के समय करिए। गुड़, गेहूं और तांबे के बर्तनों का दान करिए, लेकिन याद रखिए ये दान तभी करेंगे जब सूर्य कुंडली में खराब परिणाम दे रहा हो। अगर सूर्य आपका शुभ प्लेनेट है, अच्छा ग्रह है, तो आप ये दान मत करिएगा। रविवार को उपवास रखें बहुत अच्छा है, और अगर ना रख पाए तो रविवार को प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का प्रयोग ना करें, सात्विक भोजन ग्रहण करें। रविवार के दिन अगर आपको माणिक्य पहनना है तो रविवार को सुबह सुबह के समय अगर आप माणिक्य पहनते हैं तो इससे भी आपको विशेष लाभ होगा। एक बात जो समझने की है वो ये है कि रविवार का दिन तेजस्वी दिन है, ऊर्जावान दिन है, तो आप सूर्य की पूजा के अलावा रविवार के दिन गायत्री मंत्र का जप भी कर सकते हैं, गायत्री मंत्र से हवन भी कर सकते हैं, इससे जीवन की बड़ी से बड़ी बाधा को टाल सकते हैं। अगर आप रविवार के दिन पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, ध्यान करते हैं, गायत्री मंत्र का जप करते हैं, तो आपको लाभ और भी ज्यादा होगा। देखिए, आप रोज नहीं कर पाते उपासना सूर्य की, कोई बात नहीं, आप रविवार के दिन करिए, उससे भी आपको लाभ होगा। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात जो है, अगर आप रोज उपासना करें तो फायदा होने की संभावना और ज्यादा होगी। और उसका सबसे सरल तरीका यह है कि सुबह उठ करके उगते हुए सूर्य को जल दिया जाए, या ज्यादा से ज्यादा 10 बजे के अंदर सूर्य भगवान को जल चढ़ा दिया जाए। पहला काम ये जरूर करिए। दूसरा काम, सूर्य के सामने बैठ करके 3 तरह के पाठ किए जाते हैं, सफलता और विजय के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का, ज्ञान और बुद्धि के लिए गायत्री मंत्र का, और हर तरह की सफलता अगर आप चाहते हैं तो सूर्य देव के सामने खड़े होकर या बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं। तो जैसी आपकी जरूरत है, आप जल चढ़ाने के बाद उनका पाठ करिए, प्रार्थना करिए, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। और जो लोग सूर्य देव की उपासना रेगुलरली करते हैं, उनको जल चढ़ाते हैं, उनसे ईमानदार प्रार्थना करते हैं, तो बाबा उनके लिए रास्ते खोल देते हैं। इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, सूर्य भगवान की शरण में रहिए, सूर्य भगवान की पूजा उपासना करिए, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। और 3 में से कोई एक, हनुमान चालीसा, आदित्य हृदय स्तोत्र या गायत्री मंत्र, जो भी आप पढ़ना चाहें सूर्य देव को जल चढ़ाने के बाद पढ़ें, आपको फायदा होगा। और अगर सूर्य कुंडली में खराब है, निगेटिव है, तो आप रविवार को थोड़ा सा परहेज करिएगा। रविवार को आप नमक का, मांस मदिरा आदि का प्रयोग मत करिएगा, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।